नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आज सेकेंड यूनिट के अंतिम व्याख्यान अर्थात सातवें व्याख्यान में स्वागत है। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो मैक्स वेबर का धर्म एवं पूंजीवाद संबंधी जो अध्ययन है उस पर है। पूर्व के व्याख्यान में हमने मैक्स वेबर द्वारा जो धर्म के समाजशास्त्र पे जो काम किया गया था उसकी चर्चा की थी, और हमने यह बताया था कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद की प्रकृति और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के दो आदर्श प्रारूप बनाए, और इन आदर्श प्रारूपों में मैक्स वेबर ने सकारात्मक सहसंबंध देखा। पिछले व्याख्यान में हमने पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूप जो छह थे पर चर्चा की थी। आज हम प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के आदर्श प्रारूपों पर चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता का आदर्श प्रारूप बनाया। पहला आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने बनाया कि समय ही धन है, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म की यह मान्यता है कि जो समय है वह पूंजी है, अर्थात समय को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैक्स वेबर का जो दूसरा आदर्श प्रारूप है वह है धन से धन की वृद्धि होती है, अर्थात पूंजी ही पूंजी को आगे बढ़ाती है, अर्थात अपने में वृद्धि करती है। तीसरा जो आदर्श प्रारूप है वह है मनुष्य अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक है, अर्थात यदि मनुष्य गरीब है तो वह अपनी संपत्ति को संभाल नहीं सकता, उसको सुरक्षित रख नहीं सकता, इसलिए वह निर्धन है, गरीब है। और यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसमें यह योग्यता है कि वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। चौथा जो मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप है प्रोटेस्टेंट धर्म का वह है एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना, अर्थात यदि आप एक पैसे को बचाते हैं तो आप एक पैसे को जोड़ते हैं। पांचवा जो आदर्श प्रारूप है वह है कार्य ही पूजा है। यह सबसे महत्वपूर्ण आदर्श प्रारूप है प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता का, क्योंकि यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो धर्म है या जो उसकी उपासना है, उसकी जो साधना है, उसकी जो पूजा है वह कार्य है, अर्थात तो वह श्रम करे, कार्य करे तो उसे शांति प्राप्त होगी। यह प्रोटेस्टेंट धर्म का महत्वपूर्ण आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर के द्वारा बनाया गया है। छठा जो आदर्श प्रारूप है वह है ब्याज ऋण एवं लाभ की स्वीकृति, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के अंतर्गत ब्याज ऋण एवं लाभ जैसे आर्थिक तत्वों को स्वीकार किया गया है, इनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है, और ब्याज ऋण एवं लाभ की स्वीकृति ही पूंजीवाद की प्रकृति का आदर्श प्रारूप से मेल खाती है। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता ने या पूंजीवाद की प्रकृति ने प्रोटेस्टेंट धर्म को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो अंतिम आदर्श प्रारूप है प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता का वह है मद्यपान एवं अन्य विचलनकारी प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ अपव्यय को उत्पन्न करती हैं तथा मनुष्य की सभी प्रकार की ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं, समाप्त करती हैं। अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म की यह
भी महत्वपूर्ण आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर के द्वारा बनाया गया। और मैक्स वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत मदपान और अन्य विचलनकारी गतिविधियों पर पूर्णतः निषेध है, और निषेध इसलिए है क्योंकि ये गतिविधियाँ अपव्यय को उत्पन्न तो करती हैं, साथ ही मनुष्य की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी कार्य करने की शक्ति है, उसकी जीवन जीने की शक्ति है, उसको भी समाप्त करती हैं। अतः मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता और पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूप बनाए। पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूप 6 मैं कल आपको पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुका था। आज के व्याख्यान में मैक्स वेबर ने हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के आदर्श प्रारूप जो 6 हैं। एक बार हम पुनः देखेंगे, समय ही धन है, अर्थात मनुष्य अपने समय को, अपने जीवन में जो उसको समय मिला है उसे वह नष्ट नहीं करे। धन से धन की वृद्धि होती है, अतः धन को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। मनुष्य अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक है, अर्थात अपनी पूंजी को वह नष्ट नहीं करे। अगर वह करता है तो वह निर्धन, गरीब और दरिद्र बनेगा। एक पैसा बचाना अर्थात एक पैसा कमाना है, अर्थात मितव्ययिता को प्रोटेस्टेंट धर्म उपयोगी मानता है। कार्य ही पूजा है, अर्थात वह कहता है कि भक्ति केवल श्रम में है, वर्क में है, अर्थात आप कार्य करें। ब्याज ऋण एवं लाभ को यह धर्म स्वीकार करता है, और मदपान और अन्य विचलनकारी गतिविधियों पर यह पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यह गतिविधियाँ दो तरह से मनुष्य को, मानव को नुकसान पहुँचाती हैं। एक तो अपव्यय को उत्पन्न करती हैं, साथ ही मानव की जो ऊर्जा है, जो श्रम शक्ति है, जो उसकी शारीरिक शक्ति है, जीवन शक्ति है, उसको भी नष्ट करती हैं। इस तरह मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के 6-7 आदर्श प्रारूप बनाए। अब मैक्स वेबर इन आदर्श प्रारूपों को बनाने के बाद कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता तथा पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूप के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है, और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता ने उन संरचनात्मक स्थितियों को उत्पन्न किया जो पूंजीवाद की प्रवृत्ति को विकसित करने तथा उसे जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि पहला जो मैक्स वेबर का निष्कर्ष है वह स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत वे विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्होंने पूंजीवाद को उत्पन्न किया, विकसित किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पूंजीवाद को विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता। वहीं मैक्स वेबर ने अन्य कारकों सहित धर्म को आर्थिक विकास का कारक माना है, और यहाँ पर मैक्स वेबर मार्क्स के धर्म संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हैं तथा धर्म भ्रामक चेतना को विकसित करता है। इस कथन को, यह कथन मार्क्स द्वारा दिया गया था, इस कथन को पूर्णतः नकारते हैं। वेबर के अनुसार कन्फ्यूसियस आचार संहिता, हिंदुत्व का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत वे प्रमुख तत्व हैं जो संबंधित देशों में पूंजीवाद के विकास में बाधक रहे हैं। यहाँ मैक्स वेबर हिंदू धर्म में जो हिंदुत्व की बात है, जो कर्मवाद का सिद्धांत है, उसको भारत में आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं, क्योंकि कर्मवाद का सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य इस जन्म में अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगता है, अर्थात वह गरीब इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में उसने गलत कर्म किए हैं। और हिंदुत्व का सिद्धांत जो देवी देवताओं की पूजा, आराधना और चमत्कार पर है, उसको भी मैक्स वेबर ने कहा कि ये दोनों चीज़ें भारत में आर्थिक विकास में बाधक हैं, और यही कारण है कि भारत में पूंजीवाद का विकास बहुत ही धीमे गति से हुआ है, तीव्र गति से नहीं हो पाया है, और आज भी भारत अविकसित देशों की, अर्थ या फिर विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, विकसित देशों की श्रेणी में
नहीं आता। अब मैक्स वेबर के धर्म और पूंजीवाद सिद्धांत संबंधी कुछ आलोचनाएं हम चर्चा करेंगे। पहली आलोचना यह है कि इतिहास से जब इस बात की पुष्टि हुई कि पूंजीवाद के विस्तार से उत्पन्न स्थितियों ने इस्लाम धर्म में बदलावों को उत्पन्न किया, ना कि ईसाई धर्म के कारण पूंजीवाद में विकसित हुआ, अर्थात ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म जो पुराना जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसकी जो आचार संहिता है वह पूंजीवाद के कारण परिवर्तित हुई, और आधुनिक प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वह पूंजीवाद के प्रभाव के कारण ही परिवर्तित हुआ। अतः मैक्स वेबर का यह कहना कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवाद को विकसित किया गलत है, पूंजीवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्म में परिवर्तन किया, यह इतिहास से पुष्टि होती है। रेमंड विलियम्स तथा टाउरी ने भी यह तर्क दिया है कि पूंजीवाद की प्रकृति पहले अस्तित्व में आई तथा प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित आचार संहिताओं को उसने बाद में उत्पन्न किया, अर्थात हमारे जो पहली आलोचना थी उसी का समर्थन रेमंड विलियम्स और टाउरी भी करते हैं और कहते हैं कि पहले पूंजीवाद आया और इस पूंजीवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिताओं में परिवर्तन किया और नई आचार संहिताओं को उत्पन्न किया। अगली जो आलोचना है वह है प्रोटेस्टेंट धर्म का वेबर द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूप भौतिकवादी आधारों को प्रमुख स्थान देता है और पारंपरिक अनुभवों की उपेक्षा करता है, अतः यह प्रकटना यह स्थापित करने में असफल रहती है कि अधिसंरचना आधार संरचना को विघटित करती है। मैक्स वेबर का यह प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा निर्मित जो आदर्श प्रारूप है वह भौतिकवादी आधारों को प्रमुखता देने के लिए बनाया गया है, अर्थात यह पूंजीवाद की प्रकृति को विकसित करने को समझने के लिए या उसके पक्ष में प्रमाण उपस्थित करने के लिए बनाया गया है। पारंपरिक अनुभवों की उपेक्षा करता है प्रोटेस्टेंट धर्म की, और यह प्रकटना यह स्थापित करने में भी असफल रहती है कि किस तरह आधार संरचना अधिसंरचना आधार संरचना को विघटित करती है। आधार संरचना और अधिसंरचना संबंधी हम पूर्ण अध्ययन कार्ल मार्क्स के यूनिट में करेंगे, जब हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो मैक्स वेबर का आलोचना है धर्म एवं पूंजीवाद के संबंध में वह है, वेबर ने जब हिंदू धर्म एवं पूंजीवाद चाइनीज धर्म एवं पूंजीवाद के मध्य मान्यताओं का मूल्यांकन किया, अर्थात अध्ययन किया, तो मार्क्स के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि धर्म सामाजिक जीवन की प्रक्रिया में बाधक है। अर्थात कार्ल मार्क्स का यह कहना कि धर्म भ्रामक चेतना को उत्पन्न करता है और शोषित को शोषित बनाता है और शोषक को शोषित के ऊपर राज अधिकार करने के लिए स्थापित करता है, कि मैक्स वेबर कहीं ना कहीं मान्यता और विश्वास को स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि जब मैक्स वेबर ने हिंदू धर्म के साथ पूंजीवादी तत्वों की व्याख्या की, चाइनीज धर्म के साथ पूंजीवादी तथ्यों की व्याख्या की और फिर कहा कि इन दोनों धर्मों ने पूंजीवाद को विकसित करने में, पूंजीवाद को आगे बढ़ाने में नकारात्मक भूमिका निभाई है, तो यह जो मैक्स वेबर का जो निष्कर्ष है वह कार्ल मार्क्स के इस निष्कर्ष को सत्यापित करता है कि धर्म भ्रामक चेतना को उत्पन्न करता है, अर्थात मनुष्य को अंधा बनाता है। मनुष्य ये मार्क्स ने धर्म के लिए यह कहा था कि धर्म अफीम है, अर्थात मनुष्य के सोचने विचारने की शक्ति को धर्म नष्ट कर देता है, की पुष्टि मैक्स वेबर करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम अपना 7वें व्याख्यान में मैक्स वेबर की जो सेकंड यूनिट थी अपनी, उसके सभी अवधारणाओं का अपन अध्ययन कर चुके हैं।
इससे संबंधित जो असाइनमेंट हैं आपके मैक्स वेबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको कल प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप परीक्षा में यह तय कर पाएंगे कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कैसे दिए जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।